नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते से पहले भारत माता की जय के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि ममता दीदी ने बंगाल को धोखा दिया है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासत और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोलकाता की चुनावी सभा में मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार की रात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात भी की थी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अभी पहले दो चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नंदीग्राम से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी से आए दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अब नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का भी नाम शामिल है। वहीं बीजेपी ने पहली सूची में 7 महिलाओं को भी जगह दी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भाजपा ने पहली सूची जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जारी कर दी है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 7 महिलाओं को इस बार जो है टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि नंदीग्राम जो कि विधानसभा जो सीट जो है वहां पर घमासान, सियासी घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि खुद वहां से अभी मौजूदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहीं से चुनाव लड़ने वाली हैं। और साथ ही साथ इस बार टीएमसी से ही बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को भी भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से टिकट दिया है। तो इस बार नंदीग्राम का जो की जो लड़ाई है वो भी बड़ी अहम और दिलचस्प होने वाली। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं, ये बीजेपी ने लिस्ट जारी की है जो कि 57 नाम जो है उम्मीदवार कैंडिडेट्स उनके नाम शामिल हुए हैं और ये सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह की ओर से अधिकारियों पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि अधिकारियों की पिटाई करने का बयान कहीं से भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा था कि अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुने तो उसकी बांस से पिटाई कर दे। इस बात पर ही अब सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बात कही है। पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्याय उचित है? एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार रांची पहुंचे, जहां उन्होंने हरमू मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मंच से एनसीपी अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने नए कृषि बिल को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं प्रदेश में एनसीपी संगठन को मजबूत करने का हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी संगठन का विस्तार करेगी। इस दौरान मौके पर एनसीपी के कई नेता भी मौजूद रहे। और क्रिकेट के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम दुनिया में पहुंचाना चाहिए। धोनी के नेतृत्व पर भारतीय खिलाड़ी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे विश्वामित्री की यह भूमि है, वैसे ही क्रिकेट के क्षेत्र में दुनिया में भारत का नाम मशहूर करने वाली महेंद्र सिंह धोनी की यह भूमि है, इसका मुझे गर्व हो रहा है। पटना में किसान पैलेस स्थित ठाकुर प्रसाद सभागार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया।
आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 19 लाख रोजगार को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र 19 लाख रोजगार के अवसर देने का जो संकल्प लिया था, हम उसको लागू कराने के लिए पूरा प्रयास और उसकी रूपरेखा कैसे करेंगे, इसकी एक विस्तृत चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। बिहार सरकार को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो पहला वादा किया था, ये कोरोना का बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। ढाका के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर अब जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने पलटवार किया है। शालिनी मिश्रा ने मोतिहारी में एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा, क्योंकि नीतीश मॉडल शालीनता और कानून के साथ चलता है। बता दें कि बीते दिनों ही बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने बयान देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी गाड़ियों को पलटने की जरूरत है, तभी अपराध पर काबू पाया जा सकता है। कहना है कि बिहार में सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी का मॉडल चलता है, नीतीश मॉडल चलता है, और कोई मॉडल नहीं चलता है, जो है शालीनता के साथ आगे बढ़ना, पूरे नियम कानून के तहत आगे बढ़ना, बस वही मॉडल चलता है मेरे अनुसार, तो नीतीश मॉडल ही बेस्ट मॉडल। और पटना में मंदिरी स्थित जाप कार्यालय में पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का आग्रह किया, तो वहीं विपक्ष को पप्पू यादव ने सदन में मुकेश सहनी का मामला उठाने के बजाय शराब माफियाओं, बालू माफियाओं और रूपेश हत्याकांड जैसे मुद्दों को उठाने की नसीहत दी। बड़ी करबद्ध आग्रह करूंगा, इस बिहार को बचाइए, और विपक्ष से आग्रह करेंगे कि शराब माफिया, बालू और शराब पर बोलने के पहले अपना अपना ब्लड जांच करा लीजिए। और खास तौर पर मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के सारे नेताओं से कि अपना अपना ब्लड जरूर जांच कराइए कि शराब कितने दिन पहले पिए हैं और कितना पहले छोड़। सहरसा जिले के सोनवर्षा में रालोसपा कार्यकर्ताओं ने जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कृषि पदाधिकारी की मिलीभगत से फसल क्षतिपूर्ति में जांच टीम ने सिर्फ खानापूर्ति की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिकारियों ने शाहपुर पंचायत के नवटोलिया मध्य विद्यालय के परिसर में किसानों से पूछताछ किया और लिखित बयान लिया है, लेकिन अधिकारी आवेदनकर्ता के घर नहीं गए। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि जाँच टीम और कृषि पदाधिकारी इस मामले को गोल मटोल करने में लगे हैं। आज पुतला गहन जिला कृषि पदाधिकारी का हुआ है। मामला यह है कि सोनवर्षा प्रखंड में शाहपुर पंचायत, सोहा पंचायत और सोनवर्षा पंचायत में कृषि क्षतिपूर्ति 2020 और 21 के अनुदान राशि में हुई घोर घपला के खिलाफ में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें ऑडियो में किसान और कृषि के पंचायत समन्वयक के द्वारा। सीतामढ़ी जिले में सामाजिक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आलम यह रहा कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम से आक्रोशित लोग भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर सूचना पर पहुंचे सदर DSP के काफी समझाने बुझाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। आपको बता दें कि बीते शाम अज्ञात अपराधियों ने बैरगनिया थाना क्षेत्र के राकेश झा को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हथियार लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए थे। राकेश झा की हत्या की गई है, इस संबंध में अपराधी तक पहुंच चुके हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। उनके व्यवहार से, आचरण से लोग प्रभावित होकर इतना लोग जमा हुए हैं। झा हुआ, मैं मृतक राकेश झा के छोटा भाई हूँ, राजू झा, और मेरे भाई के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह घटना में हमारे अभी तक से थाना की लापरवाही, थाना की मिली भगत से हुई है। जो सीतामढ़ी की दूरी 40 मिनट की है, इस थाना प्रभारी को, ASI को 1 घंटा 40 मिनट लगे। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के करबला
मोकबेरा में 5 मार्च की रात हुए 3 लोगों की हत्या के बाद गोलीबारी मामले में आरोपी बनाए गए आर्मी जवान चंदन साव ने पुलिस हाजत से अपना दर्द बयां किया, जो अब लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आर्मी जवान जोर जोर से रोते हुए कलेक्टर, एसपी सहित आर्मी के सीओ से सहायता की मांग कर रहा है। वो वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। जय हिंद भाई लोग, मैं चंदन कुमार, इंडियन आर्मी। भाई लोग, मेरे परिवार को पूरा उजाड़ दिया। मेरे भाई इरादे से भाई को दौड़ा दौड़ा के मारा। मेरे पिता को कुछ कसूर नहीं था, हम लोग का बस हम लोग से जलता था हमेशा से। पूरा समाज, चाहे समाज में तो समाज, हम लोग का तरक्की देख के खुश नहीं था, हमेशा से जलता था मेरे पिता से, मेरे भाई से। मेरा भाई भी तो रोका करते नहीं कर रहा था।